हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप वेल। मैं विकास कुशवाहा आज फिर से आप लोगों के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट टू लेके आया हूँ। उम्मीद है पार्ट वन आप लोगों को काफी भलीभांति समझ में आया होगा। जैसा कि कमेंट में मिला कि मुझे ऐसा ही लगता है कि काफी कुछ समझ में आया ही होगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ होता है, मतलब कैसा होता है और किस जगह पे इसे हम यूज करते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करते हैं तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि हमने बताया कि कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये है कि d का वैल्यू निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये हम पहले पार्ट में बता चुके हैं आप लोग को, d का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये निकालते हैं। जब कभी भी d का वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आवे तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स रियल होंगे और फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर d का वैल्यू लेस देन जीरो आता है तो वो इमेजिनरी होगा और उसे हम क्लास 10 के अंतर्गत सॉल्व नहीं करते हैं। तो इतना करने के बाद फिर हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला का मतलब कि x 1 2 यानी दोनों जो रूट्स होंगे इसके 2 पावर है, इसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो x 1 2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिसे हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसे श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जाना जाता है, या इसे साथ में हम कह सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, ये एक्स वन टू का वैल्यू आता है, यही कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये किन कंडीशन में अप्लाई होगा और किन में नहीं होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल कि कहां पे ये यूज होगा और कहां पे यूज नहीं होगा। जैसे अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। क्वेश्चन आपका बना बनाया आएगा कि पहले सो दैट इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, तो हमें रूट्स चेक करना होगा। तो कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू आता है 9, बी का वैल्यू आता है 7 और सी का वैल्यू आता है माइनस 2। तो अब हमें डी निकालना होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इतना काम आपको करना है। उसके बाद जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आता है 49 माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2, यानी ओवरऑल 49 और ये प्लस 72 माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी इसे हम देखते हैं तो 121 आता है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी कि d का वैल्यू जो हमारा आता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी हम क्या बोलेंगे कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, और रियल होंगे तो फिर इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। कैसे, x 1 2 माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, माइनस बी प्लस माइनस रूट 121 अपॉन बी की जगह पे इनका वैल्यू आप पुट कर देंगे 7 अपॉन 2 ए की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 9। क्लियर, अब इसे अगर हमें देखना है तो हम यहां पे देख लेते हैं, यानी कि x के दो दो वैल्यू आपको मिलते हैं, कितने वैल्यू मिलते हैं, दो वैल्यू मिलते हैं। इन दोनों वैल्यू को हम चेक करते हैं, x का पहला जो वैल्यू मिलता है वो आता है माइनस 7 प्लस रूट 121 का वैल्यू आता है 11 अपॉन 2 ए दैट इज द 18, यानी ये आता है आपका ये फाइनल 2 अपॉन 4 अपॉन 18 दैट इज द 2 अपॉन 9,
ये एक्स वन जिसे हम बोलते हैं अल्फा, दूसरे की बात करते हैं तो एक्स टू इक्वल टू माइनस सेवन माइनस इलेवन अपॉन एटीन, और ये देखते हैं तो ये आता है माइनस एटीन अपॉन एटीन, दैट इज द माइनस वन, ये आता है आपका सेकेंड वैल्यू। तो इस तरह से हम पाते हैं कि x1 और x2 यानी अल्फा और बीटा के दो दो वैल्यू, दोनों के एक एक वैल्यू यहाँ पे मिल जाते हैं, ये पहला रूट हुआ और ये दूसरा रूट हुआ। यानी जब भी हमें इसे अप्लाई करना होगा तो हमें इसी सिद्धांत पे इसी तरह से बिल्कुल वन बाय वन चलना होगा, सबसे पहले इक्वेशन फिर इसे कंपेयर करते हैं, ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसे चेक करते हैं, चेक करने के बाद देखते हैं ये जीरो से ग्रेटर देन है कि इक्वल टू है, अगर ये दोनों कंडीशन आता है तो इसका मतलब कि इसके रूट्स रियल होंगे, रियल होंगे तो उसे हम सॉल्व करेंगे, अगर ये लेस देन आता है तो इसका मतलब ये इमेजिनरी होगा और उसे हम सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन आता है इसका मतलब ये क्या हुआ, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे, तो ये आपका फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू है, माइनस सेवन प्लस माइनस इसका वैल्यू रखते हैं अपॉन टू है, एक बार इसे हम प्लस में लेते हैं वो एक्स वन का वैल्यू होगा, एक बार इसे हम माइनस में लेते हैं वो एक्स टू का वैल्यू होगा, जब हम प्लस वाला लेते हैं तो यहां पर हम पाते हैं क्या कि एक्स वन इक्वल टू माइनस सेवन प्लस रूट 121 का वैल्यू 11 अपॉन 18 यानी 4 अपॉन 18 यानी 2 अपॉन 9, और जब दूसरे की बात करते हैं माइनस लेते हैं तो माइनस 18 अपॉन 18 यानी कि माइनस 1, ये अल्फा और ये बीटा, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कंडीशंस यानी नेचर, ओवरऑल हम कह सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर की बात करते हैं, ये क्या है नेचर, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हमने बताया डी का वैल्यू, दो कंडीशन, डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, लेस देन जीरो है, जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, रियल होगा, इसे सॉल्व करना है, और जब लेस देन होगा तो इसका मतलब ये इमेजिनरी होगा, इसे सॉल्व नहीं करना, इसके रूट्स होंगे ही नहीं, इसके नो रियल रूट्स होंगे यानी कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब इसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं, एक कंडीशन है कि डी का वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा हो, डी इज ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा है डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डी दोनों रियल है यानी दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन जब डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो ऐसे कंडीशन में एक्स वन टू का जो वैल्यू होता है वो है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, यानी कि एक्स वन का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला लेंगे माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए, और जो एक्स टू का वैल्यू होगा वो होता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, ये दिखाता है। अगर हम इधर की तरफ आते हैं तो इसमें d इक्वल टू जीरो है, यानी x12 का जब वैल्यू लेते हैं तो आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी का मतलब जीरो अपॉन टू ए, यानी फाइनल आता है x12 का मतलब माइनस बी और ये जीरो का मतलब कुछ नहीं यानी टू ए, यानी आपका x1 भी सेम आता है x2 भी सेम आता है, यानी इस कंडीशन में हम कह सकते हैं x1 इक्वल टू x2 यानी अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी जो दोनों रूट्स होंगे वो दोनों रूट्स क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, क्लियर है इतना। तो इसमें हम ये पाते हैं क्या कि जब भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा यानी कि रियल होंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों को देखते हैं, अगर ग्रेटर देन होता है तो ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगे यानी दोनों एक्स वन एक्स टू यानी अल्फा बीटा के अलग अलग वैल्यू आएंगे, और जब भी ये इक्वल टू जीरो होगा तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस हम इसे कह सकते हैं इक्वल रूट्स, और इसे कह सकते हैं क्या कि ये डिस्टिंक्ट, तो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो के केस में आता है डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग आंसर आएगा, और जब इक्वल टू जीरो होगा तो ऐसे सिचुएशन में दोनों के आंसर क्या होंगे, सेम होंगे, और यहां पे सिंपल हम लिख सकते हैं नो रियल रूट्स लेस देन जीरो के केस में, क्लियर है, इतना ओके है।
उम्मीद है जो भी हमने बताया समझ में आया होगा। अब आइए इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप के हम प्रॉब्लम्स दिखाएंगे, एक जबकि रियल होगा और इक्वल होगा, और दूसरा जबकि वो लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब वो इमेजिनरी होगा, उसे सॉल्व नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ये इमेजिनरी वाला केस देखते हैं कि उसको हम कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू आता है 4, b का वैल्यू आता है माइनस 5, c का वैल्यू आता है प्लस 3। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू निकालते में हमें मिलता है कि माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 4, c की जगह पे 3, यानी ये आता है 25 माइनस 48, that is the 3 to -23। और आपको पता है -23 क्या होगा, ये less than 0 होगा। और जब हमने बताया था कि जब भी ये 0 से छोटा होगा, ऐसे केस में इसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, यानी इसको रूट्स की बात होता है। तो सिंपल सा चीज है कि नो रियल रूट्स, बस इतना हमें करना है, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके रूट्स बनेंगे ही नहीं। इसके आगे होते हैं, इसको लगाने का तरीका है, लेकिन वो 10th के अंतर्गत नहीं है, ये क्लास 11th में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कि यानी कुल मिला के आपको बस ये याद रखना है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते जाना है। डिस्क्रिमिनेंट ही मेन होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा तय करता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके रूट्स रियल होंगे कि नहीं होंगे। अगर रियल होंगे तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसके दो वैल्यू आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। अगर ये इक्वल टू जीरो होगा तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, चाहे वो x1 का हो x2 का हो, दोनों सेम होगा। इसे अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं, यानी दोनों रूट्स के जो वैल्यू होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जैसे है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले काम करते हैं कि वैल्यू निकालते हैं, इनका अलग अलग रूट करते हैं। a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है माइनस 4√3 और c का वैल्यू है 4। ये आपके सामने है ax स्क्वायर, bx और c, क्लियर है। जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट को निकालते हैं तो आता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब हुआ कि माइनस का स्क्वायर प्लस, ये 48 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, 48 माइनस 48 दैट इज द 0, यानी d का वैल्यू किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। और हमने क्या बताया था कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो ये रियल होगा। तो आपको यहां पर मिलता है इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 का मतलब रियल तो होगा, रियल तो होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने बताया था दोनों जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी एक्स 1 2 का वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी का मतलब क्या, अपॉन 2a, लेकिन d तो यहाँ पे 0 है, तो यानी इसके जगह पे हम 0 कर सकते हैं, 0 मतलब कैंसिल, ओवरऑल बचता है x 1 2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, यानी x 1 जिसे हम अल्फा बोलते हैं और x 2 जिसे हम बीटा बोलते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होगा, कितना माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। इसे सॉल्व अगर करते जाए तो माइनस बी का वैल्यू होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 4√3 अपॉन 2a, 2a का मतलब 2 × 3, रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल होगा, या फिर सिंपल सा इसे हम कह सकते हैं कि ऐसे ही रहने देते हैं, 2 × 2 = 4, यानी फाइनल आता है 2√3/3। अगर ऐसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये भी होता है 4√3 अपॉन 2 × 3, ये भी सेम आंसर, यानी 2√3/3, बस। यानी इसमें हम देखते हैं अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों सेम आता है, क्यों, क्योंकि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो 0 के इक्वल है, क्लियर है। हमने दोनों एग्जांपल दिए आपको, कब, जबकि ये वर्चुअल होगा, सॉरी इमेजिनरी होगा, और दूसरा जबकि ये रियल होगा। रियल के दो केस होते हैं, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 एक इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 के केस में दो वैल्यू आते हैं, दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, और इक्वल टू 0 के केस में जैसा कि आपके सामने है, इसमें जो दोनों वैल्यू होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो दोस्तों
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सेकेंड पार्ट था आपका, और उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिद्धाचार्य रूल लिख के आवे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहला काम हमें डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना होगा। सारा मतलब गेम वहीं से स्टार्टिंग होता है। अगर आपका वो चेक हो जाता है बिल्कुल सही सलामत, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आवे कि लेस देन जीरो आवे, तो ऐसे सिचुएशन में आप ये पहले फाइंड कर सकते हो कि इसे हमें सॉल्व करना है कि नहीं करना है। ओके, अगर आपको सब कुछ समझ में आता है या अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी होती है या कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट